साथियों, क्या आपने कभी सोचा है हमारा देश आज भी पूरी तरह गुलाम है। हुआ सिर्फ इतना है कि गोरे अंग्रेज चले गए, लाखों क्रांतिकारियों ने जिस आजाद भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, क्या वो सिर्फ ये था, इस खातिर था कि गोरे अंग्रेज यहाँ से चले जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों की आवाज एक ऐसे आजाद भारत के लिए थी जहाँ कोई भी अमीर अपने से गरीब इंसान का शोषण न कर सके, धर्म जात पात के आधार पर लोग कभी भी एक दूसरे से न लड़े, बेरोजगारी न रहे, कोई भी अशिक्षित न रहे, कोई भी भूखा न रहे, और भी बहुत कुछ उन लोगों का सपना था जिसे देश की जनता को गहराई से सोचने की जरूरत है, खासकर देश की भावी युवा पीढ़ी को। बहुत अफसोस के साथ ये बात बताना पड़ रहा है कि भारत में हर दिन भूख से 7,000 लोग अपना प्राण त्याग देते हैं, 7,000 लोग। भ्रष्टाचार हर दिन भारत को अपने पंजे में जकड़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था की हालात ऐसी है कि बेरोजगारी व अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पोर्न और अश्लीलता युवाओं को तो बर्बाद कर ही चुका है। अगर हमें सही मायनों में सारी समस्या से देश को सही मायने में आजादी दिलानी है तो एक बार फिर क्रांति की इस आवाज में आवाम की चेतना को जगाने के लिए कूद पड़ने की एक ठोस जरूरत है। हमारे इस क्रांति में जुड़ने के लिए, अपने विचारों को धार बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इस चीज में अपना योगदान दें।